हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, बीबीएस सेकंड प्रोफेसर फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, डरना मत, ये मैं ही हूँ। मेरे प्रॉफ के वाइवास चल रहे हैं, सो मैं खुद ही यार कैमरा फेस करने की हालत में नहीं हूँ, बट आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना था। आप लोग के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो क्या किया जाए भाई, थोड़ा शक्ल थोड़ा इग्नोर कर देना, ऐसा समझ लो मेरा कोई छोटा भाई वीडियो बना रहा है। ठीक है, जस्ट लीव दैट थिंग, आते हैं आपके मुद्दे पे। पहले आपको ये बता देते हैं कितनी सीट किस कैटेगरी में, कितनी सीट वेकेंट है, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, ये भी आपको बता देंगे राउंड 2 का कट ऑफ क्या रहा था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ कितनी सीट वेकेंट है। तो देखो यार, जनरल के लिए 876 सीट्स वेकेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 167 सीट्स वेकेंट है, ओबीसी के लिए 560 सीट्स वेकेंट है, 560। ठीक है, एससी के लिए 278 सीट्स वेकेंट है, एसटी के लिए 108 सीट्स वेकेंट है, जनरल यूआर पीडब्ल्यूडी मतलब पीएच के लिए 62 सीट्स वेकेंट है, यूआर के मतलब जनरल के, ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 13 सीट्स वेकेंट है, 13। ठीक है, ओबीसी पीएच के लिए 36 सीट्स वेकेंट है, एससी पीएच के लिए 29 सीट्स वेकेंट है और एसटी पीएच के लिए 23 सीट्स वेकेंट है। अगर आप ये पूरे डेटा को जोड़ोगे, 876 प्लस 167 प्लस 560 प्लस 278 प्लस 108 प्लस 62 प्लस 13 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 23, तो दिस विल सम अप टू 2152। तो टोटल 2152 सीट्स वेकेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लमसम 1900 से 2000 सीट्स वेकेंट होगी मॉपअप राउंड के लिए, और देखो समॉट वैसा ही रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेकेंट कितनी सीट है इस पे आ गए। अब राउंड 2 का कट ऑफ क्या रहा था, तो राउंड 2 का कट ऑफ जो रहा था, मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, जनरल के लिए 17264 रहा था, ओबीसी के लिए 17878 रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 18572 रहा था, एससी के लिए 93407 रहा था और एसटी के लिए 107511 रहा था। तो ये आपका राउंड 2 का कट ऑफ हो गया। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मॉपअप से, तो देखो पहली चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि मॉपअप में काफी डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है ज्यादा डाउनफॉल ना हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है यार, बहुत लोग अगेन स्टेट में सीट पा चुके हैं और वो लोग मॉपअप पे पार्टिसिपेट करेंगे, देख लेना, काफी लोग करेंगे अपनी स्टेट से सीट से रिजाइन करके, क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनको बेटर मिल जाएगा, एक ये चांस हो सकती है। और जैसे यूपी का सेकंड राउंड का कट ऑफ काफी अब्रप्टली हाई चला गया, मतलब सोचो पहले राउंड में 18,000 रैंक तक जनरल को मिल रहा है, दूसरे राउंड में 13,000 रैंक तक मिला जनरल को, तो भाई 14,000 वाला कोशिश तो करेगा ही अब। तो भाई बहुत लोग ऐसे, तो जो सिर्फ डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते वो सब भी मॉपअप में आएंगे और बाकी स्टेट से भी जहां से भी बच रहे तो वो लोग भी आएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो लमसम रहेगा 18.5 से 19 के। हाँ, एक चीज याद रखना, मॉपअप का कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी में हो सकता है बहुत कम चला जाए, स्ट्रे वैकेंसी में भी सीट्स आ सकती है काफी, तो हो सकता है उसमें अब्रप्टली कम चला है, क्योंकि उसके तब तक आदमी की सीट डिसाइड हो चुकी है, उसको ये पर्टिकुलर सीट लेना है, तो फिर स्ट्रे वैकेंसी वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसको सीट नहीं मिली है। तो अगर आप 21,000 तक दियो तो हार मत मानना। तो जनरल की 18.5 से 19 के तक, ओबीसी का 18.8 से 19.5 के तक, ईडब्ल्यूएस का भी लमसम ऐसे ही 18.9 के से 19.5 के तक, एससी के लिए अंडर 1,00,000 मैं समझ रहा हूँ, एसटी के लिए अंडर 1,15,000। तो ये आपका कट ऑफ हो सकता है मॉपअप का, मोस्ट प्रोबेबली यही कट ऑफ होना चाहिए। प्लीज यार, अब कट ऑफ कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, मतलब आना है अनएक्सपेक्टेड, भाई और नीचे चला जाओ कट ऑफ, यार यही मेरी विश है, मेरा मेरे को गलत प्रूफ कर दो, नीचे चला जाए कट ऑफ और ऊपर ना जाए यार। काफी ज्यादा मैं डिस्टर्ब हुआ था जब यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट आया था। सो गाइज, ये कट ऑफ हो सकता है, तो आप सब लोग कोशिश करो, अपना बेस्ट करो, चॉइस फिलिंग चल रही है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन कर लो, और जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका था और उसने फोरफिट नहीं करवाया था तो वो सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग करो एंड पार्टिसिपेट करो। कॉलेज नहीं भी मिलता मॉपअप राउंड से, तो स्ट्रे वैकेंसी में कोशिश करना, स्टेट कोटा के मॉपअप राउंड में कोशिश करना, हार मत मानना। अगर आपकी 21,000 रैंक तक है तो बिल्कुल हार मत मानना, बिल्कुल आखिरी तक लगे रहना। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों में से जो लोग यार नीट 2022 और 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो। अनअकैडमी आपके लिए यार संडे को एक एग्जाम करा रही है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। ठीक है, सिंस आपको पता है नीट 2022 काफी करीब आ रहा है और नीट 2022 के ऊपर फोकस्ड है यार ये, 13 मार्च को हो रहा है संडे को, यानी कि सुबह 11 बजे होगा, 45 मिनट का सिर्फ टेस्ट होता है, कोई बहुत लंबा टेस्ट नहीं कि आपको टाइम काफी ज्यादा स्पेयर करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ 45 मिनट का टाइम देना है। 28 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबसे 7 क्वेश्चन ईच, 28 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट रहेगा। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अमेजिंग प्राइजेस, अमेजिंग रिवॉर्ड्स, अमेजिंग स्कॉलरशिप स्लैब्स, तो मतलब भाई, और ये सब कुछ फ्री में, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट। सो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके एनरोल कर लो, सिलेबस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ठीक है, आप ये काम कर लो, बाकी सिलेबस देख लिया, लिंक पे जाओ, रजिस्टर करो, और पहली बार अगर कर रहे हो तो कोड यूज कर लोगे तो फ्री में एनरोलमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल प्रोसेस है भाई, मेरे हिसाब से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो नीट 2022 की तैयारी कर रहे हो तो भाई सब पार्टिसिपेट करो, ताकि आप एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिशन सेट करो, एक अच्छा नेशनल लेवल पे अपने आपको चेक कर पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा भी नहीं देना इसके लिए, और 45 मिनट सिर्फ जाना है। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग को देना चाहिए जो लोग भी नीट 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, चलो बाय बाय।